नमस्कार, डियर लाइफ रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रोकली की मिक्स सब्जी, जो कि सर्दियों में बहुत ही पसंद किया जाता है और यह बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होता है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है मीडियम साइज का ब्रोकली, 1 से 2 गाजर, 1 बड़े साइज का आलू, 2 बड़े साइज का प्याज और 1 टमाटर मैंने काट के लिया है, थोड़ा सा हरा मटर, सारी चीज़ों को काट लिया है और मटर को भी छील लिया है। अब हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाला तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को फूलने के लिए 2 मिनट तक छोड़ देंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे सरसों तेल 1 बड़ा चम्मच। जब तेल हमारा गर्म हो जाए तब हम उसमें ब्रोकली को डालकर उसे फ्राई करेंगे। ब्रोकली को हमें अच्छी तरह चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेना है। ब्रोकली हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें आलू को डालेंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। सब्जियों को हमें हल्का ही फ्राई करना है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। आलू भी हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें गाजर और मटर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह चलाते हुए हल्का सा फ्राई करेंगे। सब्जियों को हमें 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है। अभी सब्जी हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल लेंगे, उसमें डालेंगे हम जीरा 1 छोटा चम्मच। सब्जी में मैंने कोई भी और एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं किया है। जब जीरा हमारा चटक जाए तब हम उसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। मैंने 2 बड़े साइज का प्याज लिया है। इसे हम अच्छी तरह चलाते हुए फ्राई करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही भूनना है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मसालों को डालकर उसे भून लेंगे। मसालों को हम ऐसे ही अच्छी तरह चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। मैंने 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और टमाटर के पकने तक हम मसाला को ऐसे ही फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर भी हमारा पक चुका है और मसाला भी तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें सब्जी को डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सब्जी हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे। 2 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन को हटाकर चेक करेंगे। सब्जी हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी 1 कप। अभी हम सब्जियों को अच्छी तरह चलाकर इसे मिक्स करेंगे। अब हम सब्जी को ढक करके 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है। सब्जी हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं सब्जी हमारा पक चुका है। हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से इसमें ले सकते हैं, कम या ज़्यादा आप ग्रेवी रख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सब्जी को सर्व करेंगे। ये तैयार है ब्रोकली का मिक्स सब्जी। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखें।